पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर क्वाक्टा के सदस्यों ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजियां की। शिक्षकों का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर वह लंबे समय से आंदोलनरत है। इसके बावजूद उनकी मांगों को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे शिक्षक समाज काफी आक्रोशित है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वह आंदोलन के माध्यम से सरकार को अपनी मांग की याद दिलाते रहेंगे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्वाक्टा के डॉक्टर एस एन शर्मा ने कहा, हमसे जो टकराए हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी सब लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मानदेय शिक्षक को भी नियमित करो, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रह नहीं सके और अस्वस्थता की स्थिति में लिया है, हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर एस एन शर्मा अध्यक्ष क्वाक्टा, पहले पूरे प्रदेश में प्राइमरी से लेके माध्यमिक तक सारे शिक्षकों को सातवां वेतनमान प्रदेश सरकार दे चुकी है। यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान मिल चुका है, लेकिन अभी तक डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतनमान से वंचित किया गया है, जो कि जनवरी 2006 से मिल जाना चाहिए। तो हमारी प्रमुख मांग ये है। दूसरी मांग हमारी है, प्रदेश में जो है पुरानी पेंशन व्यवस्था को 2004 के बाद से बंद कर दिया गया है, हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, प्रदेश के लगभग 700 मानदेय शिक्षकों को विनियमित किया जाए। ये हमारे शिक्षक साथी बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं और प्रदेश के 331 एडेड डिग्री कॉलेज के स्ववित्त पोषित योजना में विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित शिक्षकों को, अनुमोदित शिक्षकों को विनियमित किया जाए, जिससे उनकी सेवाएं और उनकी सारी चीज़ें जो हैं सुरक्षित हो सकें। साथ ही साथ हमको मेडिकल सुविधा की दी जाए राज्य कर्मचारियों की भात। इन तमाम मांगों को लेकर के आज पूरे प्रदेश के 331 महाविद्यालय एडेड कॉलेज के सारे शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहते हुए देश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं और हमारा धरना आयोजित है।